वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं कभी आईपीएल का हिस्सा रहने वाले पुणे वॉरियर्स इंडिया के बारे में। इस फ्रेंचाइज के ओनर थे सहारा ग्रुप स्पोर्ट्स लिमिटेड और ये फ्रेंचाइज महाराष्ट्र के पुणे सिटी में बेस्ड थी। 2011 में डीवाई पाटिल स्टेडियम पुणे का होम ग्राउंड था और 2012 और 13 में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम था। 2011 में पुणे के कोच थे जेफ मार्श और 2012 और 13 में एलन डोनेल और प्रवीण आमरे पुणे के कोच थे। 2011 सीजन की बात की जाए तो पुणे वॉरियर्स इंडिया के बैट्समैन थे सौरभ गांगुली, कलाम फर्गुसन, मनीष पांडे, ग्रेम स्मिथ, मोनीश मिश्रा, हर्षद खाड़ीवाला, अभिषेक झुनझुनवाला, धीराज यादव, हरप्रीत सिंह। विकेट कीपर बैट्समैन थे रॉबिन उत्थप्पा, टीम पेन, एकलव्य द्विवेदी। ऑलराउंडर्स थे कैप्टन युवराज सिंह, जेम्स फॉकनर, मिथुन मानस, मिचेल मार्श, जेसी राइडर, श्रीकांत वाघ, श्रीकांत मुंडे, एंजेलो मैथ्यूस। स्पिनर्स थे राहुल शर्मा, मुरली कार्तिक, नेथन मैकलाम, गणेश गायकवाड। सीमर्स थे भुवनेश्वर कुमार, वेन पार्नेल, अल्फोंसो थॉमस, इम्तियाज अहमद, सचिन राणा, जरोम टेलर, कमरान खान, आशीष नेहरा। 2011 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर थे युवराज सिंह। इन्होंने 13 इनिंग्स में 343 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर था 66 नॉट आउट। उन्होंने 250 भी लगाया था और 24 फोर्स और 18 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2011 सीजन के पुणे वॉरियर्स इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर थे राहुल शर्मा। इन्होंने 14 मैचेस में 16 विकेट्स लिए थे जिसमें इनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3/4/13। इन्होंने 5.46 के बेहद ही शानदार इकोनॉमी से बॉलिंग की थी। 2011 में पुणे के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे युवराज सिंह। इन्होंने 14 मैचेस में 229 पॉइंट्स अर्जित किए थे जिसमें इन्होंने 343 रन बनाए थे और इनका हाई स्कोर था 66 नॉट आउट। और इन्होंने 9 विकेट्स लिए थे और इनका इकोनॉमी था 6.62। इनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 4/4/29। 2011 में पुणे ने 14 मैचेस खेले थे जिसमें उनको 4 जीत हासिल हुई थी और 9 हार का सामना करना पड़ा था। पुणे उस सीजन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर था। 2012 सीजन में पुणे वॉरियर्स इंडिया के बैट्समैन थे कैप्टन सौरभ गांगुली, माइकल क्लार्क, कलाम फर्गुसन, हरप्रीत सिंह, धीराज यादव, ल्यूक राइट, तमीम इकबाल, स्टीवन स्मिथ, मार्लन सैमुएल्स, मनीष पांडे, मोनीश मिश्रा, हर्षद खाड़ीवाले, ग्रेम स्मिथ। विकेट कीपर बैट्समैन थे रॉबिन उत्थप्पा, महेश रावत और एकलव्य द्विवेदी। ऑलराउंडर थे एंजेलो मैथ्यूज, जेसी राइडर, मिथुन मानस, अनुस्तुप मजुमदार, रफी गोमेज, श्रीकांत वाघ, कृष्णकांत उपाध्याय, युवराज सिंह, मिचेल मार्श और जेम्स होप्स। पुणे के पास स्पिनर्स थे राहुल शर्मा, अली मुर्तजा, मुरली कार्तिक और नेथन मैकलाम। पुणे वॉरियर्स इंडिया के पास सीमर्स थे अशोक बिंदा, भुवनेश्वर कुमार, आशीष नेहरा, वेन पार्नेल, अल्फोंसो थॉमस, कमरान खान और सचिन राणा। 2012 सीजन में पुणे के हाईएस्ट रन स्कोरर थे रॉबिन उत्थप्पा। इन्होंने 16 इनिंग्स में 405 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर था 69। उन्होंने 250 लगाया था और 38 फोर्स और 10 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2012 में पुणे के हाईएस्ट विकेट टेकर थे आशीष नेहरा। इन्होंने 13 इनिंग्स में 11 विकेट्स लिए थे जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3/4/23। उन्होंने 8.37 के इकोनॉमी से बॉलिंग की थी और उनका कोई 5 विकेट्स ऑल नहीं था। 2012 में पुणे के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे रॉबिन उत्थप्पा। इन्होंने 16 मैचेस में 153.5 पॉइंट्स अर्जित किए थे। 2012 में पुणे ने 16 मैचेस खेले थे जिसमें पुणे को 4 जीत हासिल हुई थी और 12 हार का सामना करना पड़ा था। पुणे 2012 सीजन में पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन पर था।
सीजन 2013 की बात करें तो पुणे वॉरियर्स इंडिया के बैट्समैन थे एरॉन फिंच, उदित बिरला, मनीष पांडे, मैरिलॉन सैमुएल्स, स्टीवन स्मिथ, तिरुमला शेट्टी सुमन, रॉस टेलर, ल्यूक राइट, माइकल क्लार्क, हरप्रीत सिंह, धीराज यादव और तमीम इकबाल। विकेट कीपर बैट्समैन थे रॉबिन उत्थप्पा, महेश रावत और एकलव्य द्विवेदी। पुणे में ऑलराउंडर्स थे कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज, युवराज सिंह, अभिषेक नायर, मिचेल मार्श, परवेज रसूल, रफी गोमेज, मिथुन मानस, श्रीकांत वाघ, कृष्णकांत उपाध्याय और अनुस्तुप मजुमदार। पुणे के पास स्पिनर्स थे अजंता मेंडिस, राहुल शर्मा और अली मुर्तजा। पुणे वॉरियर्स के पास सीमर्स थे अशोक दिंदा, भुवनेश्वर कुमार, वेन पार्नेल, केन रिचर्डसन और ईश्वर पांडे। 2012 के सीजन में पुणे के हाईएस्ट रन स्कोरर थे एरॉन फिंच, उन्होंने 14 इनिंग्स में 456 रन बनाए थे जिसमें उनका हाई स्कोर था 67, उन्होंने 450 लगाया था और 54 फोर्स और 16 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2012 में पुणे के हाईएस्ट विकेट टेकर थे अशोक दिंदा, उन्होंने 13 इनिंग्स में 16 विकेट्स लिए थे जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3431, उन्होंने 9.48 के इकोनॉमी से बॉलिंग किया था और उनका कोई भी 5 विकेट फॉल नहीं था। 2012 में पुणे के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने 16 मैचेस में 228 पॉइंट्स अर्जित किए थे जिसमें उन्होंने 13 विकेट्स लिए थे और उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3418, उनका इकोनॉमी था 6.50। 2012 में पुणे वॉरियर्स ने 16 मैचेस खेले थे जिसमें पुणे को 4 जीत हासिल हुई थी और 12 हार का सामना करना पड़ा था। पुणे पॉइंट्स टेबल पर 8th पोजीशन पर था। आईपीएल में पुणे की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पुणे ने 46 मैचेस खेले थे जिसमें पुणे को 12 जीत मिली थी और 33 हार का सामना करना पड़ा था। पुणे वॉरियर्स इंडिया के ओवरऑल हाईएस्ट रन स्कोरर थे रॉबिन उत्थप्पा, उन्होंने 45 इनिंग्स में 1103 रन बनाया था जिसमें उनका हाई स्कोर था 75, उन्होंने 450 भी लगाया था और 107 फोर्स और 32 सिक्सेस भी हिट किए थे। पुणे वॉरियर्स इंडिया के ओवरऑल हाईएस्ट विकेट टेकर थे राहुल शर्मा, इन्होंने 36 इनिंग्स में 34 विकेट्स लिए थे जिसमें इनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3413, इन्होंने 6.67 के इकोनॉमी से बॉलिंग की थी और उनका कोई भी 5 विकेट्स हॉल नहीं था। पुणे वॉरियर्स इंडिया के सभी स्पॉन्सर्स थे टीवीएस मोटर्स, सैनसुई इलेक्ट्रिक्स, लक्स कोजी, निशान, यूबी ग्रुप, ओकले इंक, यू ब्रॉडबैंड, लिंक पेंस, किलर जींस, फिनोलेक्स ग्रुप, ब्रिटानिया, इंडिगो एयरलाइंस, सीग्राम्स, रेनॉल्ड्स, जॉकी, एयरटेल, रेमोन ग्रुप, फास्ट ट्रैक, सहारा क्यू शॉप, आशीर्वाद पाइप और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। पुणे वॉरियर्स इंडिया की टर्मिनेशन के बारे में बात करें तो आईपीएल में पुणे के जैसे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, वैसे ही उनका बीसीसीआई के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। पुणे ने आईपीएल 2012 से और उसके ऑप्शन से अपना नाम वापस ले लिया था। इसका कारण पुणे ने आईपीएल के फ्रेंचाइज फी और आईपीएल के रूल्स को बताया। 16 फरवरी 2012 को बीसीसीआई ने पुणे वॉरियर्स के शर्तों को मान लिया और पुणे ने आईपीएल में वापसी की। फिर 21 मई 2013 को अपना आईपीएल कैंपेन खत्म करने के बाद 2 ही दिन बाद पुणे ने दूसरी बार के लिए अपना नाम आईपीएल से वापस ले लिया। बीसीसीआई ने यह रीजन दिया कि पुणे टीम फ्रेंचाइज फी ना दे पाने की वजह से बैंक गारंटी प्रोवाइड नहीं कर पाई है। बीसीसीआई सोर्सेस ने यह कहा था कि 13 जनवरी 2013 को पुणे टीम ने 20% फ्रेंचाइज फी पे कर दिया था और 19 में से पहले बाकी बचा हुआ फ्रेंचाइज फी पे करने का वादा किया था, बट सहारा ये पे करने में पूरी तरह से असफल रही। फिर 26 अक्टूबर 2013 को बीसीसीआई ने ऑफिशियली पुणे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जिसका कारण था सहारा 170 करोड़ की बैंक गारंटी पे नहीं कर पाया था। यही था आईपीएल में पुणे वॉरियर्स इंडिया की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।